सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। जो भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले यूज करते हैं हम यहाँ पे। फ्रैक्शन का मतलब कैसे होता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 और परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। सो हमको फ्रैक्शन में जाना है, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करना है। बहुत सिंपल है। तो ये है 56 पहला। अब 56% को अगर आप करोगे तो उसका फ्रैक्शन आएगा 56 डिवाइड बाय 100। चार ये कटेगा 4 से, 14 आएगा और नीचे 25 आएगा। ये दूसरा है हमारा, ये 4% का मतलब होता है 4 बाय 100। सो दिस इज 1/25। ये है 0.6%। 0.6% का मतलब होता है 0.6 डिवाइडेड बाय 100, जो कि है 6 डिवाइडेड बाय, ये डेसिमल को इधर खिसकाया तो इधर एक और जीरो आएगा, 1000। तो ये बन जाएगा आपका, 3 से कटेगा तो 2 से कटेगा 3 डिवाइडेड बाय 500। और फाइनली है 0.08। 0.08% का मतलब फ्रैक्शन में हो जाता है 0.08 डिवाइडेड बाय 100। इस पॉइंट को अगर दो प्लेसेस से राइट किस तरफ शिफ्ट करोगे तो 8 डिवाइडेड बाय 10, और ये दो जीरो और आएंगे क्योंकि इसको राइट को शिफ्ट किया है। तो अब ये 8 से कट कैंसिल हो जाएगा, 8 वन 8 डिवाइडेड बाय, चलो क्या आएगा, 8 वन 8, 2 रिमेनिंग, 8 टू 16, 4 रिमेनिंग, 8 फाइव 40 और ये 1250 इतना आएगा। ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। देखिए डेसिमल जो पहले था वो फ्रैक्शन के फॉर्म में करना था, अब ये डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल होते हैं, वही करना है। 6% का मतलब होता है 6 डिवाइडेड बाय 100। बस इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, मतलब दो जीरो को कैंसिल करना है तो आपका जो डेसिमल है वो दो प्लेसेस पीछे आएगा, यानी कि 0.06। वैसे ही इसको क्या लिखेंगे, 28% का मतलब हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 100। डेसिमल यहाँ पे है तो दो प्लेसेस इधर आएगा, सो 0.28। वैसे ही इसका 0.2 है, 0.2% का क्या हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि डेसिमल प्लेस यहाँ पे है, दो प्लेसेस इधर आएगा, तो क्योंकि इनको हटा देना है तो 0. दो प्लेसेस के लिए इधर आएगा, इधर तो 0.002। अब 0.04% का मतलब क्या होगा, 0.04 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये जो है इसको भी दो प्लेसेस आप इधर लेके आओ, दो प्लेसेस ये, तो क्या बनेगा 0.0004। सो दिस इज द फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द परसेंटेज। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेट परसेंट। मतलब क्या होता है कि 100 से अब मल्टीप्लाई करना है, परसेंट निकालना है मतलब मल्टीप्लाई। सो दिस फर्स्ट वन, इसको क्या करेंगे हम, 23/26 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा ये। अब ये दो से काटेंगे इसको तो ये 13 और ये 50, सो 23/5 115, वो ये 0 और नीचे 13, सो दिस इज द परसेंट। ओह सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, 36 है ना, तो 4 से कटेगा ये, 4 9 36 और 4 25 100। सो अब ये क्या बनेगा भैया, ये आएगा 5 7 5 डिवाइडेड बाय 9 इतना परसेंट। इसको अब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 9
सिक्स ज़ा 54, थ्री रिमेनिंग 35 हो गए, नाइन थ्री ज़ा 27, कितने बचे, सात नहीं आठ बचे, सो ये आठ और नीचे नौ, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है सिक्स एंड थ्री बाय फोर, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिक्स फोर ज़ा 24 एंड थ्री 27 डिवाइडेड बाय फोर। अब इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या करना होगा, इसको 27 बाय 4 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो ये बन जाता है आपका ये 25, अब 25 इंटू 20 ये बन जाता है आपका 675%। अब लास्ट है 0.004%, ये 0.004 को क्या करना है आपको, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई करो, अब ये दो जीरो इसलिए दो प्लेसेस राइट को आएगा, तो आपका 0.4% आ जाएगा। नेक्स्ट ये एडिशन करना है हमको, इसमें क्या है 28% ऑफ 450, इसका मतलब होता है 28%, परसेंट मतलब है 28 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड बाय 450 प्लस 45%, इसका मतलब 45 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय और है 280। सो ये बन जाएगा आपका, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन आएगा आपका 126। और यहां पे भी ये और ये कैंसिल होके अगर आप करके देखोगे तो ये भी 126 ही आने वाला है। सो फाइनली आपका जो ये यहां पे आंसर आता है वो है 252, दैट्स इट। सिमिलरली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में, आप सॉरी इसको आप फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 16 थ्री ज़ा 48 एंड 250, सो 50 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब होता है 50 डिवाइड बाय 3 परसेंट है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हम इसको, और मल्टीप्लाइड बाय ये 600 ग्राम माइनस ये वाला, ये है 33 थ्री ज़ा 99 और एक 100, सो 100 डिवाइड बाय 3, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 180। तो इसको प्रॉपरली अगर अरेंज करेंगे तो ये आएगा 50 और ये जो है ये नीचे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 600 माइनस 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 इंटू 180, तो ये और ये कैंसिल, 3 टू ज़ा 6 और ये 100 माइनस ये और ये कैंसिल हो गया, 3 6 ज़ा 18, सो ये आपका 60 बन गया। सो ये 100 माइनस 60 इज 40, सो 40 ग्राम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बस मीनिंग समझनी चाहिए, और ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जो कि आते रहते हैं, जैसे कि एसएससी 2000 में आया है ये, एसएससी 2002 में ये नीचे वाला आया है, बहुत ही आसान होते हैं। देखिए क्या बोला है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 50 का कितना प्रतिशत है 2, मतलब अगर आपके पास 50 में से 2 मार्क्स आए हैं तो 100 में से कितने आए, परसेंटेज निकालना है। तो ये तो आपको पता है कैसे किया जाता है, 2 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो ये बहुत ही आसान है, ये कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा, तो ये हो गए 4%। अब दूसरा, हाफ इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, उसी तरीके से देखिए परसेंट ऑफ 1/3 मतलब 1/3 में से 1/2 मिले, तो 100 में से कितने मिले, यही करना है। फिर से 1/3 में से 1/2 मिले तो 100 में से कितने मार्क्स मिले, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये नीचे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन जाता है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 100
जो कि हो जाएगा आपका 150। उसके बाद है दिस, ये वाला, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। ठीक से देखिए, 7 का कितना परसेंट 84 है, ये उल्टा किया है, मतलब 7 में 84 मिले, 7 में से 84 मिला, ऐसा भी होता है उल्टा भी, तो 100 का कितना हो गया ये, 7 का 84 कितना परसेंट है, 7 का 84, ये उल्टा है। देखिए वर्ड्स को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे से ग्रास्प कीजिए लैंग्वेज को। सो ये बन जाता है 84 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज 100 से ऊपर भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा आपका 1200%। व्हाट परसेंट ऑफ 2 मेट्रिक टन्स इज 40 क्विंटल। देखिए परसेंट ऑफ दिस मतलब इसमें से, देखिए जिसके पहले ऑफ लगा है, जैसे ऑफ लगा है किसके पहले, 50 के पहले, तो 50 में से 2 ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे ऑफ लगा है 7 के पहले, तो 7 में से 84। वैसे ही अब ये 2 मेट्रिक टन में से 40 क्विंटल, 40 क्विंटल का मतलब होता है 40 × 100, और 2 मेट्रिक टन का मतलब होता है 2 × 1000। 2 मेट्रिक टन में से 40 क्विंटल कितने परसेंट है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 20 एंड 10, सो ये हो गया आपका 200%। अब फाइनली है ये, व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर। देखिए 6.5 लीटर में से 135 130 ml ऑफ लगा है इसके पहले, ये रटना नहीं है एक्चुअली, समझ लेना है, लेकिन ट्रिक के लिए बता रहा हूँ मैं, जिसके पहले ऑफ है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये है 130 ml, तो ये है 130 ml। एम एल का मतलब होता है 10⁻³, आपको पता होना चाहिए, एम एल मिलीलीटर मतलब 10⁻³ लीटर, और ये है 6.5 लीटर, ये लीटर लीटर कैंसिल हो गया, परसेंट में कन्वर्ट करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाता है 6.5 × 2 13, ये 20, और ये आएगा आपका 2%।